दोस्तों गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण ऐसे कई रहस्य के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कितनी दिनों तक घर में रहती है, हमारा धर्म शास्त्र में इसके संदर्भ में क्या क्या वर्णित किया गया है, वो सब ये वीडियो के माध्यम से बताएंगे। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण की अधिष्ठाता देव सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु है। दोस्तों मृत्यु के बाद जमदेव जीवात्मा को जमलोक ले जाते हैं। वह जीवात्मा 24 घंटे बाद वापस अपने घर आती है और 24 घंटों के दौरान उस जीवात्मा को उसके संपन्न जीवन की लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसके यह आकलन होता है कि अपने जीवन काल में यह आत्मा ने कितनी पुण्य और कितनी पाप की है। उसके बाद आत्मा को उसी घर में लाया जाता है जहाँ वह अपनी शरीर त्याग किया था और 13 दिन वह जीवात्मा अपने परिवार के बीच रहती है। मोह और वासना से भरी वह जीवात्मा बार बार अपने देह में प्रवेश करने की प्रयास करती है, किंतु जमदूत के पास के द्वारा बंधे जाने के कारण वह कुछ भी करने में असमर्थ रहती है। वह अपने परिवार मित्रों और रिश्तेदारों को उसके शोक मनाते हुए देखती है। वह उन्हें चुप कराने के प्रयास भी करती है किंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को भी नहीं होता। फिर वहाँ अपने मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करती है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, बाकी पुण्य कर्म की मात्रा पाप कर्म से कम होती है, अर्थात मनुष्य पुण्य अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के बाद पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिन तक आत्मा के उद्धार के लिए पुत्रगण पिंडदान देते हैं। अगर मृतक का पिंडदान नहीं दिया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों सालों तक कष्ट और पीड़ा भोगने के बाद बगला जोनि में जन्म लेती है। प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड की 4 भाग हो जाती है। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है और 3रा भाग जमदूत ले लेते हैं और 4था भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9वें दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने के कारण 10वें दिन से प्राणी को अत्यधिक भूख लगने के कारण आहार रूप में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले भोजन में विधि मंत्र श्रद्धा आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता है, केवल नाम तथा गोत्र से पिंडदान किया जाता है। मृतक का दाह संस्कार होने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। मृत व्यक्ति के जल जाने पर उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी जमलोक के मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्म को भोगता है। पहले दिन जो पिंडदान किया जाता है उसे मुर्घा, दूसरे दिन की पिंडदान से ग्रीभा और दोनों स्कंद बनते हैं, तीसरे दिन की पिंडदान से हृदय और 4थे दिन की पिंडदान से पृष्ठभाग उत्पन्न होता है, 5वें दिन की पिंडदान से नाभि, 6वें दिन की पिंडदान से कटी प्रदेश, 7वें दिन की पिंडदान से गुह्य भाग, 8वें दिन की पिंडदान से उरु, 9वें दिन की पिंडदान से तालु और पैर और 10वें दिन की पिंडदान से क्षुदा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख में पीड़ित होकर घर के द्वार में रहता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसमें मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय खाद्य पदार्थ के अतिरिक्त और कोई पिंडदान देने से उसकी भूख पूर्ण नहीं होती। 11वें व 13वें दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप अन्न जल वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन पिंडज शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत जमदूत द्वारा महापद पर लाया जाता है और यहाँ से इसकी जमलोक की यात्रा आरंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली यातनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है और वह जितना पुण्यकारी निष्कपटी और भगवत प्रेमी होगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी सरल और सुखदायी होगी। अतः हमें यह याद रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी ही नहीं अभी तो मृत्यु के पश्चात भी भोगना होगा। गरुड़ पुराण का ये भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं।